भगवान भोलेनाथ का महीना माने जाने वाले सावन के तीसरे सोमवार को भी शिव मंदिरों पर भक्तों का हुजूम देखा गया। इस दौरान मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। सोमवार के मद्देनजर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया। स्वयं सेवक श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैयार थे और उनको कतारबद्ध ढंग से दर्शन पूजन करा रहे थे। एक तरफ जल अभिषेक दर्शन पूजन व दूसरी तरफ मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक चल रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर सहित लगभग सभी शिव मंदिरों पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने लगे थे। मंदिर जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान थे। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर शिव बाबा को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत मंदार, पुष्प, गन्ना आदि अर्पित करने के बाद दूध व जल से अभिषेक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु संजय गुप्ता व मंदिर के पुजारी रामनाथ उपाध्याय ने कहा, हमारा तो संजय गुप्ता नाम है, हासूपुर में रहते हैं। आज तो बहुत बढ़िया यहाँ संख्या रही तीसरे सोमवार के दिन। वैसे भी यहाँ लगातार जो है हजार दो हज़ार प्रतिदिन आते हैं, लेकिन सावन माह में जो है यहाँ शहर के हर कोने से लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्याएँ आती है। एक आस्था का केंद्र है हमारा, बहुत सिद्ध पीठ है ये। पूरे हम जानते हैं कि गोरखपुर के हर कोने में लोग बाबा मुक्तेश्वरनाथ को जानते हैं, यहाँ आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, मांग मुराद पूरी होती है बाबा मुक्तेश्वरनाथ की। और शाम के टाइम में बाबा का श्रृंगार होता है, सुबह के टाइम में श्रृंगार होता है। यहाँ के जो पुजारी लोग हैं, यहाँ के भक्त लोग हैं, सब लोग मिल करके शाम को आरती अच्छे से करते हैं। श्रृंगार करने के बाद सुबह के टाइम में चार साढ़े तीन चार बजे के आसपास में ब्रह्म बेला में भी यहाँ श्रृंगार और पूजन होता है। भक्त जो भी सोच कर आता है, जो भी यहाँ मन्नत सोच कर आता है, बाबा भोलेनाथ यहाँ पूरा करते हैं। सिद्धपीठ स्थान यही है गोरखपुर में, एक बढ़िया स्थान बाबा भोलेनाथ का। रमानाथ महंत मुक्तेश्वरनाथ, हाँ तीसरा सोमवार है आज के भक्तों, भक्त आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब तीसरा सोमवार है, लास्ट आने वाला है, इसलिए भक्तों को पूजा पाठ करने के लिए बहुत अधिक से अधिक भक्त आ रहे हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, जो आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। जल चढ़ा रहे हैं और फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुरक्षा के लोग क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है और बाकी कोरोना को, हाँ कोरोना के लिए तो हो रहा है सावधानियां, आने जाने का रास्ता अलग अलग है। वही जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील किया जा रहा है कि मतलब दूरी बना के रहिए, आइए जाइए, पूजा करिए,